अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी, केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटी का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब से छुटकारा पाएं, पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। अभी दो दिन से आप शहर के हालात वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए देख रहे हैं, माइल टाउन का इलाका आपने देखा और इंसार बाजार का भी देखा, इंसार बाजार में कितना रश है। प्रमोद भी साहब की मुलाकात आपसे करवाई, क्या प्रयास है उनके? तो मेरे साथ अब डीसी धर्मेंद्र सिंह है, उनसे बातचीत करते हैं। प्रशासन का कितना रोल है? बार बार प्रशासन अपील कर रहा है, मीडिया अपील कर रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी सड़कों पर हैं। धर्मेंद्र सिंह जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बड़ी बात यह है कि अभी लॉकडाउन को लेकर लोग पक्ष में है कि लॉकडाउन लगाया जाए, प्रशासन चाह रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए? अभी विचार किया जाएगा, सभी व्यापार मंडल के प्रतिनिधि अभी आए थे आपके सामने ही, तो उनका भी विचार है, सभी का विचार है कि अगर इसको चेन तोड़नी है, इसके प्रचार को, प्रसार को जो फैलने से रोकना है वायरस को, तो उसमें लॉकडाउन की ज़रूरत है। तो हमारी एक मीटिंग होती है, क्राइसिस कोऑर्डिनेशन मीटिंग, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें होते हैं, MPs, MLAs, मेयर, तो उनमें उसमें ये बात रख के हम डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए। जी साहब, ओवरऑल हालात पानीपत के क्या चल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन को ज़्यादा पता है। माइल टाउन में आपने मिनी लॉकडाउन लगा दिया, जैसे लोग सड़कों पर हैं फिर भी लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे, कहीं लगता है कि सख्ती करने की जरूरत है, लोग ऐसे मान नहीं रहे, डंडे के हिसाब से ही मानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी अपील करके देख ली। हमने हमारे कल तक 269 माइक्रो कंटेनमेंट जोन थे, और परसों हमने 4 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए थे, कल फिर 4 और एडिशनल माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिसमें जहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलोनी में, पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे केसेज, एक्टिव केसेज हों, तो उस क्राइटेरिया के आधार पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनते हैं। ये मॉडल टाउन का एरिया है, मॉडल टाउन को हमने जब इवैल्यूएशन की एक्टिव केसेज की, मॉडल टाउन में 260 एक्टिव केसेज थे, तो इसलिए उसको देखते हुए कि नंबर ऑफ केसेज ज़्यादा हैं, उसको और फैलने से रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, और उसमें एसेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी सारी जो गतिविधियाँ हैं वो प्रतिबंधित रहती हैं। तो पब्लिक की आवाजाही कल भी देखा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। पब्लिक की आवाजाही तो जस्ट वहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज के लिए, कोई अपने घर से कोई सब्जी की दुकान पे, दूध की दुकान पे, दवाइयों की दुकान पे जाता है, वही अलाउड हैं, उसके अलावा सभी प्रतिबंधित रहती हैं। सर, ऑक्सीजन को लेकर जो चल रही है, मारामारी चल रही है, हालांकि आपने कोटा निर्धारित कर दिया है, उसके बावजूद भी अगर बात की जाए, जैसे अभी बात चल रही थी कि घरों में अगर सिलेंडर की जरूरत हो, तो ऐसा कोई प्रावधान है? पब्लिक को ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताकि पब्लिक भ्रम में ना रहे। देखिए, हमारी एक लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, जितना भी देश में ऑक्सीजन के सोर्स है, कोई प्लांट है या जो भी है, वो भारत सरकार ने डिवाइड कर दिया उसका कोटा स्टेट वाइज, और स्टेट ने फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो जो जितनी भी इस देश में सप्लाई है वो निर्धारित कर दी गई है, किस कौन से शहर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सप्लाई होगी। अब वो एक लिमिटेड सप्लाई है, हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, तो उस लिमिटेड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स के, किसके पास कितने बेड हैं, उसका एक कोटा निर्धारित कर दिया गया, राशनिंग कर दी गई है, ताकि जितने भी पेशेंट हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकते हैं ऑक्सीजन का, और उसी हिसाब से हमने सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया है, वहाँ से सभी हॉस्पिटल्स का जो कोटा निर्धारित है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जहाँ तक इंडिविजुअल किसी को देना है, वो CMO की रिकमेंडेशन है, कोई पेशेंट है, कोई बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसको ऑक्सीजन की, उसको घर पे ही रह के वो ज़रूरत होती है, CMO की रिकमेंडेशन है कि इस पेशेंट को एक वीक के लिए एक सिलेंडर लगता है, तो वो दे दिया जाता है। अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जैसे माइल टाउन में क्या है, अभी और भी इलाके चिन्हित किए हैं जहाँ पर मिनी लॉकडाउन जैसे हालात हो? अभी नहीं, और डेली बेसिस पे कहाँ कितने केसेज आते हैं उस बेस पे एग्जामिन करके वो किया जाता है।
अभी जो आज मान लिया केसेज आते हैं और उसमें ये उस केसेज के इवेल्युएशन से ये पता लगता है कि ये पर्टिकुलर लोकेलिटी में गली में नंबर ऑफ केसेज बहुत ज़्यादा हैं, तो वो डिसीजन ले लिया जाता है। ऐसे सर लॉकडाउन जैसा माल्टाउन में आपने करवा किया है, तो वो लोग बाहर हैं, फैक्ट्रियों में भी जा रहे हैं, बाज़ारों में भी जा रहे हैं, फिर ऐसे लॉकडाउन का यानी कि कंटेनमेंट जोन बनाने का फ़ायदा दिख रहा है आपको? नहीं, फैक्ट्रियों में बाहर जाना पे तो पाबंदी है, और अगर कोई इस तरह की बात है उसको कड़ाई से उसको लागू किया जाएगा। उसको कुछ तो फ़ायदा होता ही है, एटलीस्ट गैदरिंग एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ लोगों का चाट की दुकान और ऐसे ही भीड़ भड़ाके पे खड़ा होना उससे और ज़्यादा फैलता है, एटलीस्ट वो तो कम हुआ है जी, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो रोक लगी रखती है फैलाव पे। सीएम से जो मीटिंग हुई थी उन्होंने डीसी के ऊपर सारे सौंप दिए, डीसी जैसे करेंगे वो अधिकार क्षेत्र में उनके, अभी सिनेमाघर या जिम या कुछ और चल रहे हैं उन पर भी कुछ पाबंदियाँ शुरू होने जा रही हैं अभी? नहीं नहीं, अभी इस बारे में कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है। डिसीज़न लिया जा सकता है अगर जो मीटिंग है क्राइसिस डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है उसमें डिसीज़न लिया जाएगा। तो फिर जैसे आप माल्टाउन में कल परसों गए हैं, ऐसे लगता है कि आप जा सकते हैं शहर का दौरा करने के लिए और लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए, क्योंकि लोग अभी समझ नहीं रहे पूरी तरह, क्योंकि बीमारी इस बार ही गंभीर है, रोज़ मौत का आंकड़ा 15 से 20 का मौत का आंकड़ा पहुँच गया, उसके बाद पब्लिक समझ नहीं पा रही। हाँ, लोगों में अवेयरनेस है, लोगों को खुद सेंसिटिव होना पड़ेगा, इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। जब तक लोग नहीं समझेंगे, अपने आप नहीं समझेंगे, तब तक बात नहीं बढ़ती। सेल्फ अवेयरनेस ही है इसके जो SOP है, कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है, तो उसको पालना करना सबके लिए ज़रूरी है। फेस मास्क लगाना, उचित दूरी, भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना, उससे बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है, इसको फैलने से रोका जा सकता है। लोगों में सर एक भ्रम यह है कि वैक्सीनेशन जो लगा रहे हैं अभी 18 से 45 साल का आपने करना है, कि वो कहीं ना कहीं गलत है, उससे बीमार भी हो रहे हैं, डेथ रेट भी जो है उससे ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ ऐसी आपके पास आ रही हैं और आप लोगों से क्या इसे वैक्सीनेशन के बारे में अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी से यही अपील है, इस वायरस में जो है ये जो अब की बार सेकेंड टाइम आया है नया स्ट्रेन, ये ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा लीथल है, कैजुअल्टी ज़्यादा हो रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं। और ये देखने में आया है कि अभी तक जो भी वैक्सीनेशन जिसने करवा चुके हैं, दोनों डोज लगवा चुके हैं, उसको अगर इन्फेक्शन होता भी है तो गंभीर रूप का नहीं होता, वो मॉडरेट टाइप का ही होता है, घर पे रह के ही ठीक हो जाता है, तो ये डिफरेंस तो है। तो इस बीमारी से बचाव का तो सबसे बेस्ट जरिया तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना वैक्सीनेशन करवाएँ, तो आप बच जाएंगे। तो डीसी धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ थे, इंट्रो आपके काम का, इस इंट्रो को शेयर जरूर करें ताकि आम आदमियों के पास ये जो है खबर पहुंच सके। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय, एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।